हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रसोई घर। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ्रूट कस्टर्ड। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में जब कभी कोई गेस्ट आए या हमारे खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन करे तो आप मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरी इस रेसिपी को आप अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए हमें किन किन सामान की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ मिले जुले फ्रूट्स लिए हैं। इसमें मैंने एक अनार लिया है और इसके दाने मैंने निकाल के रखे हुए हैं। थोड़े से हम लेंगे काले अंगूर, थोड़े से हरे अंगूर, एक एप्पल लिया है, दो मैंने बनाना लिया है। तो एप्पल और बनाना को हम बाद में काट के तैयार करेंगे। और थोड़े से मैंने खरबूजे के पीसेस लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने मनपसंद कोई से भी फ्रूट इसमें यूज़ कर सकते हैं। और फ्रूट्स को यूज़ करने से पहले आप इन्हें एक बार धो जरूर लें। और यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध लिया है, 4 चम्मच मैंने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है और 6 चम्मच मैंने चीनी ली है। तो आइए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस चालू करके गैस पे हम दूध को गर्म करने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, उसी दूध में से मैंने थोड़ा सा दूध यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है क्योंकि कस्टर्ड पाउडर को घोलने के लिए हमें ठंडे दूध की ज़रूरत होगी। ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर घोलने से इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं पड़ती हैं। तो हम इसे अच्छे से इस घोल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसका घोल बनाकर तैयार कर लिया है और ये दूध भी हमारा गर्म हो चुका है। तो इस गर्म दूध में अब हम चीनी डाल देंगे। तो चीनी आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी चीनी की मात्रा और बढ़ा लें। और चीनी को अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे ताकि जो चीनी पानी छोड़ती है वो भी अच्छे से बॉईल हो जाए। तो थोड़ी देर बाद हम इसमें जो मैंने कस्टर्ड का घोल तैयार करके रखा हुआ है वो इसमें डाल देंगे चम्मच से हिलाते हुए, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर कटोरी में नीचे जम जाता है। तो इस तरह से चम्मच से हिलाते हुए हम इसमें डालेंगे और डालने के बाद हम इसे तुरंत हिलाएंगे क्योंकि ये तले में चिपक सकता है, इसलिए हम इसे हिलाते हुए ही पकाएंगे। तो कुछ देर के लिए हम इसे अच्छे से पका लेंगे और इस बात का आप ध्यान रखें कि आप इसे कंटिन्यू हिलाते रहें, नहीं तो कस्टर्ड पाउडर जो है वो तले में चिपक जाएगा और कस्टर्ड का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे बिल्कुल ठंडा कर लूँगी। तो आप देखेंगे ठंडा करने के बाद ये इतना गाढ़ा हो चुका है। तो फ्रूट कस्टर्ड में जो है कस्टर्ड गाढ़ा गाढ़ा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे गाढ़ा ही रखा हुआ है। और यहाँ पर मैंने सारे फ्रूट्स भी काट के तैयार कर लिए हैं, एप्पल और बनाना को भी मैंने काट लिया है। तो अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें सारे फ्रूट्स डालेंगे। तो काले अंगूर मैं इसमें डाल देती हूँ, हरे अंगूर भी इसमें डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अंगूर जो है आप अच्छे मीठे ही लें, इससे कस्टर्ड का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। एप्पल इसमें डाल देती हूँ, बनाना भी इसमें डाल देंगे और अनार का दाना भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वो फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं। तो आप इसी तरह से उन्हें फ्रूट कस्टर्ड बना के दें तो बच्चे भी बड़े खुश हो जाएंगे क्योंकि बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं खाना। और अब जो हमने ठंडा करके कस्टर्ड रखा हुआ है वो हम इसमें डाल देंगे। और मिक्स कर देंगे हम इन सबको। तो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आप अपने मनपसंद कोई से भी इसमें दूसरे फ्रूट्स डालना चाहें तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप चाहें तो इसे फ्रीज में रख के ठंडा ठंडा सर्व करें। तो फ्रेंड्स, आप सभी को ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।